नमस्कार दोस्तों। हाई कोर्ट एआरओ में इंग्लिश 50 नंबर की आएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस की बात करेंगे, जो फ्रेजेस पिछली बार पूछे गए हैं या जिस जैसे इनके जैसे ही पूछे जाते हैं। आगे भी एक नया वीडियो इस पे बनाऊंगा, लेकिन अभी इन्हीं फ्रेजेस पे देखते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रद अवस्था, तो इसको याद ऐसे रखिए, पानी से मछली बाहर आ जाएगी तो उसके लिए कष्टप्रद ही है, इसलिए फिश आउट ऑफ वाटर कष्टप्रद अवस्था, मतलब जिससे आपको तकलीफ हो। फ्रॉम हैंड ऑफ माउथ, तो केवल अपने हाथों से इतना ही कमा पाना कि मुंह भर सको, मतलब केवल गुजारा भत्ता हो पाना, केवल आपका जीवन चल सके बस। क्रॉस रोड, क्रॉस वर्ड, तो तू तू मैं मैं करना, हिंदी का मुहावरा है, तू तू मैं करना, वही क्रॉस वर्ड लड़ना। ईट हम्बल पाई, शर्मिंदगी झेलना। ईट मतलब कहते नहीं आंसू, शर्मिंद आंसू पीना, ठीक है, शर्मिंदगी के आंसू पीना, वैसे ईट हम्बल पाई, ठीक है, तो शर्मिंदगी झेलना। ग्रीस टू पॉम, बहुत इजी है, किसी के हाथ पर ग्रीस लगाना, मतलब हाथ में खुजली होती तो क्या मिलता है, रिश्वत, किसी को रिश्वत देना, किसी का हाथ जो है उसके हाथ की खुजली दूर करना, ग्रीस टू पाम, रिश्वत देना। हेल्प 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 हेल्कियन डे, हेल्कियन डे, ये पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशगवार दिन, ऐसे दिन जो आपके लिए अच्छे हों, हैप्पी डे। हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य, हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य। अब अगला है ऑप्शन चॉइस, नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव का मतलब है यहाँ कोई दूसरा विकल्प ना हो जिस चीज़ का, जैसे काफ़ी छात्र हैं हमारे बीच में जिनके पास अब नौकरी पाना ही एक ऑप्शन है, अब ये अगला पिछला ये सब करने का कोई ऑप्शन नहीं कि ये नहीं मिला तो अगला मिल जाएगा, नो अल्टरनेटिव, ऑप्शन चॉइस। निट वंस ब्रो, किसी पे गुस्सा करना। मैन ऑफ मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, समृद्ध व्यक्ति, मतलब धनी व्यक्ति, मीन्स ऑफ, मैन ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब साधन होते हैं एक टाइप का, तो जिसके पास साधन साधन ही साधन भरे हैं, मतलब समृद्ध है। मैन ऑफ लेटर, विद्वान व्यक्ति, तो लेटर मतलब लिखना पढ़ना, जो तो विद्वान आदमी, मैन ऑफ लेटर। 9 डेज वंडर, तो जैसे अपने यहाँ कहते 4 दिन की चांदनी, वैसे इंग्लिश में है 9 डे का वंडर, 9 दिन की चांदनी, मतलब कम दिनों की खुशी, 9 डेज वंडर। क्लोज सेप, बाल बाल बचना। एक ये है अगला, प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष। क्वीर फिश, ये इंपॉर्टेंट है, क्वीर फिश का मतलब होता है अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति। रेनी डे, आर्थिक कष्ट के दिन, ठीक है, कहते नहीं सर मुड़ाते ओला पड़ना, वैसे यहाँ है आर्थिक कष्ट के दिन, रेनी डे। रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना, लाइन को पढ़िए उसका अर्थ समझिए। सेव वंस स्किन, अपने आप को बचाना, स्वयं को बचाना। स्मेल अ राइट, स्मेल अ राइट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट रॉन्ग थिंग, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग डन, मतलब शक्की होना, किसी चीज़ पे शक होना कि अरे भाई कुछ गलत हो रहा है, स्मेल अ रॉट, कहते नहीं कुछ साजिश की बू आ रही है, स्मेल आ रही है। सी आई टू आई, सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना, किसी से एग्री होना, सहमत होना। तो ये फ्रेजेस हैं, आगे हम लोग कुछ और फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। एन ओलिव ब्रांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति निवेदन, ठीक है, किसी के साथ समझौता करना कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं, पीस ट्रीटी, एन ओलिव ब्रांच। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब झगड़ा, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़ा। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब ये इम्पोर्टेंट फ्रेज है, निर्णय ना ले पाना, किसी डिसीजन को ना पाना, किसी डिसीजन तक ना पहुंच पाना। एट द 11th, अंतिम समय में
एट द 11th, मतलब 11 के बाद 12 आएगा, 12 बजने वाला है भाई अंतिम समय में। बैड ब्लड, गंदा खून, मतलब आप किसके बारे में गंदा सोचते हैं, शत्रुता जिससे हो, दुश्मनी। बीट अबाउट बुश, वही बात जैसे हिंदी में बोलते हैं, सांप चला गया परछाई लाठी पीटने से क्या फायदा, वैसे ही घुमा फिरा कर बात करने वाला। बीट बुश, बीट अबाउट बुश, झाड़ियों को पीटना, तो घुमा फिरा कर बात करना। बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर, एक चिड़िया के बर्ड्स जितने पंख होते हैं वो सब सेम ही रहते हैं ना, वैसे ही समान विचारधारा, समान प्रवृत्ति के लोग, समान आचरण के लोग, एक ही थिंकिंग के लोग बर्ड्स ऑफ फेदर होते हैं। ब्लू बुक, ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी रिपोर्ट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे आसमान से बिजली गिरना तो मुसीबत ही आती है भाई, जहां भी गिरती है आकस्मिक विपत्ति, किसी को मालूम नहीं होता बिजली गिरने वाली, अचानक गिरती है। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, बहुत बढ़िया फ्रेज है, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। बाई फिट एंड स्टार्स, फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब होता है इरेगुलर, अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। चिकन हार्टेड, ठीक है, तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है कमजोर हृदय वाला, मुर्गे की तरह कमजोर, मुर्गा किससे डर, मुर्गा बेचारा डरपोक जानवर, कायर। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ का पछताना, दूध फट गया, ठीक, तो दूध फट गया तो उस पर क्या रोना, फट गया तो फट गया, तो व्यर्थ का पछताना। तो जो बच्चे पिछले सिलेक्शनों से परेशान है कि नहीं हुआ, अब वो मत सोचो, जो आगे एग्जाम है उसको निकालो, ए आर ओ मंडी परिषद एक अच्छा चांस है, और रोते रहोगे तो फिर रोओगे 6 महीने बाद। कट नो आइस, कोई असर ना डालना, ठीक है, आइस पे कोई असर नहीं पड़ता कटिंग का, कट नो आइस। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित रूप से जीतना। अगला डंकीज ईयर, तो डंकीज ईयर ना वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। एंड इन स्मोक, कोई परिणाम ना निकलना, सब धुएं धुआं ही धुआं है, कोई परिणाम नहीं निकला। गेट इन टू सूप, गेट इन टू ट्रबल, गेट इन टू सूप, सूप गर्म होता है, उंगली डाल दोगे जल जाएगी भाई, तो गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, मुसीबत मिलनी। गेट इन टू हॉट वाटर, सेम वैसा ही है, समस्या में पड़ना। तो ये कुछ फ्रेजेस थे, अगले चैनल में आपको कुछ वोकैबलरी देंगे स्टेप, और फिर उसके बाद कुछ एरर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टेप वाइज आप करते रहना, फिर इन्हीं पे और हम अपलोड करते रहेंगे, तो उसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बहुत फ्रेजेस हैं, सारी सारी बुक में मिल जाएंगी, लेकिन जो लगता है कॉन्साइज करके कि ये आ सकता है वो आपको दे रहा हूँ, तो आपको जैसा वीडियो लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।